हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेमजी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। आज हम इस पार्ट्स में हम करेंगे 2.16 से लेकर 2.20 तक के क्वेश्चंस। ओके, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक कंडक्टर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर उसके नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म असमान, तो ये प्रूफ करके देखेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए ये तो चार सीट है, कंडक्टर है, नहीं कंडक्टर नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरा अगर कंडक्टर है तो ये प्रूफ करिए E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है कितना, ये प्रूफ करिए पहला वाला पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को पहले स्टडी करते हैं। एक में गॉसियन सरफेस बनाई और ये गॉसियन सरफेस जो है ऊपर तो ठीक है ऐसे और अंदर डैश लाइन ऐसे पास, और हमने यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर जो सरफेस चार्जेस होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा U1 और नीचे वाले के कारण कितना होगा, ठीक है, और सिग्मा जो है सरफेस चार्जेस, सिग्मा क्या है सरफेस चार्जेस, समझिए सिग्मा है सरफेस चार्जेस, सिग्मा सरफेस। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम गॉस थ्योरम लगा देते हैं, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर दोनों सेम ही, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया वेक्टर जो है ना वो सेम, बट इसका जो है ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ और एरिया वेक्टर ये ऐसे, तो अगर मान लीजिए A1 है और A2 है इस तरह से दो सरफेसेस है, तो क्लोज इंटीग्रल जो हम करेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम E.ds = Q(imposed) / epsilon, ठीक है। तो अब होगा क्या, एक ही करके हम केस ले लेते हैं, E.ds मान लीजिए फर्स्ट सरफेस का एरिया, ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम ऐसे क्लासिफाई कर ले, वैसे डीएस भी हमने लिखा हुआ है बट हम चाहते हैं यहाँ पर लिखने, तो ये सेकेंड है ES ES, ओके, और अगर आप लिखेंगे यहाँ पर ओबिंग से ये के लिए ये U1 U2 है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों जगह सेम तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, तो एक काम करें इसको हटा करके यहाँ लिख दिए यहाँ, और ये जो है ना ये 3 है और S3 प्लस पहले 2 लिख लीजिए फिर 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पर अब ऑर्डर में लिख लेते पहले ये ए और तब, अब ये जो है ना ये यहाँ पर है E3 और PS3, तो ये हो जाएगा सर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q enclosed वैसे क्यों है, सिग्मा इनटू enclosed, enclosed एरिया जो है ना वो S होगा, ठीक है, तो S अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज है, तो सिग्मा इनटू S एरिया है एरिया। अब E1ds पर देखिए, E1ds पर क्या सेम ही डायरेक्शन सेम ही, तो ये सेम डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और इसी डायरेक्शन में एरिया है, तो एरिया जो है वो कितना लिखेंगे यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करें तो EDS cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये जो है ना ये क्या होता है सॉरी ये तो 2 वाला है, तो ये EDS इसमें भी एरिया इधर और वेक्टर इंटेंसिटी cos 0, बट इस वाले केस में क्या होगा ये क्या होता है 0 होगी, क्यों, क्योंकि वेक्टर इंटेंसिटी का एरिया इधर, तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पर ईडीएस और ए, इसको हम अगर जीरो से एस करें तो ए जीरो से एस होगा और ईडीएस है ई को बाहर लीजिए एस हो जाएगा प्लस ई, यहाँ पर U1 है, ओके, और ये ए है, हमें U1 E2 ये मिल गया एस ये और ये सिग्मा एस।
अब इसको सॉल्व करना है तो e1 प्लस e2 तो कर लो s कैंसिल हो जाएगा सिग्मा अपॉन s हो जाएगा। अब देखो e1 ऊपर की तरफ है e2 नीचे की तरफ, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो हम डायरेक्शन को अगर कंसीडर करें, एक को हम ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो e वेक्टर जो है ना, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं en कैप माइनस e2 n कैप, ओके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये e1 माइनस e2 ओके वेक्टर फॉर्म में लिखिए, r डॉट n कैप एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है ना, ठीक है। तो ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है किसी कंडक्टर के लिए कितना होता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर पर जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऐसे हम चार्ज देंगे तो सारा चार्ज तो कहां आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का बाहर होगा और ये अंदर में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पहले होती है जीरो, और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को बाहर एग्जिस्ट करे तो किसी e2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। अब इसमें अंदर तो है ही बाहर है, e1 और इक्वल टू कितना लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही वेक्टर को अगर लगाओगे इधर आ जाएगा इसमें से। तो वेक्टर फॉर्म ऊपर ये डायरेक्शन यहां पर भी एग्जिस्ट करेगा एंड ये ऊपर तो एग्जिस्ट करेगा पर अंदर इलेक्ट्रिकल नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, इक्वल टू जीरो है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो कंडक्टर के केस में कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यही आपको प्रूफ करने के लिए। ये 2.17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि एक सिलेंडर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना वो लैम्डा है, ठीक है, लॉन्ग है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ज्यादा लंबा बड़ा है, और एक कोएक्सियल सिलेंडर से क्या है कवर्ड है। आपको बताना है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा पी पॉइंट पर। सिंपल सा है, जैसा हमने सिलेंडर का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा निकाला था ना किसी स्ट्रेट वायर का, वायर क्या है छोटा सा सिलेंडर ही तो रेडियस छोटे से रेडियस का। अब इसमें क्या है यहाँ पर पी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपको आर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब क्या करेंगे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर Yes. और इस तरह से ये यहां पर ये मैंने क्या बनाया है गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब एक गॉसियन सरफेस हमने बनाया है सिलेंडर के अंदर, इसका लेंथ L है, मान लीजिए सपोज कीजिए जो सिलेंडर दिया हुआ है ना इसका लेंथ L है और L लेंथ है, और इसकी वजह से हमको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर निकालना है, ठीक है। हम तीन सरफेस लेंगे, एक पहला है ये, दूसरा होगा कर्व सरफेस, और ये क्या होगा तीसरा, ठीक है, ये तीसरा सरफेस, ओके थर्ड सरफेस किसका, ये मतलब गॉसियन सरफेस आप ले रहे हैं तो गॉसियन सरफेस का एज्यूम करेंगे। तो ई फर्स्ट गॉसियन सरफेस का ये वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा थर्ड एंड सॉरी सेकेंड, एंड गॉसियन सरफेस जो आपने एज्यूम किया उसका कितना होगा ये थर्ड नंबर। अब आपको क्या करना है इसको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, सिंपल सा इसको डिराइव कर देना है बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम आप क्या जानते हैं EdS Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो EdS और ये सब तो तुम समझ गए कि कैसे ब्रेक करोगे, लेकिन Q enclosed कैसे निकालोगे। देखो Q enclosed यहाँ कितना होगा, Q enclosed अगर निकालना चाहे Q enclosed इक्वल टू होगा लैम्डा n टू l, मतलब लैम्डा तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है और l क्या है इसका लेंथ है, ठीक है। तो e1 e डॉट ds प्लस a सेकेंड है e डॉट ds और प्लस 3 है e डॉट ds, ठीक है, इक्वल टू Q enclosed है तो लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर वन है पहला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होगा, इधर की तरफ, ये जो सरफेस है इसके इधर, यहां भी
इधर की तरफ। लेकिन ये जो सरफेस आपने सरफेस लिया है, कर्व सरफेस जिसको बोलते हैं सिलेंडर का, उसके अलावा इसके इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, दोनों जो डायरेक्शन होगा वो सेम ही होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा, जीरो। इसकी बात करें तो ये भी जीरो। और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस, तो ई डी एस कॉस जीरो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू इतनी है, डी एस कितना होगा 2 पाई आर एल। ओके, तो डी एस यहाँ से इंटीग्रेशन से निकालेंगे, जीरो से 2 पाई आर एल, ओके, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये है आपको यहाँ पर ई इंटू डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन एस, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू कितना होगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इतना होगा, ठीक है। आउटवर्ड्स डायरेक्शन होगा इसका। और अब हमें बताना ये है कि क्या इस पार्ट जो बाहर वाला जो सिलेंडर है, हॉलो जो है सिलेंडर रखा गया है इस पर कॉन्सेंट्रिक, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं गॉस थ्योरम से ये बाहर मान लीजिए चार्ज इंड्यूस भी कर देगा इस पर, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना, जितना फ्लक्स जाएगा उतना बाहर निकल जाता है, तो बाहर वाले चार्ज से तो कोई इम्पैक्ट होता नहीं, तो अंदर वाले चार्ज से ही प्रभाव पड़ेगा, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा ईपी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कह रहा है 2.17 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब हम पढ़ेंगे 2.18 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये जो है ये 2.1 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पर, ये जो है इन्फिनिटी पर इसकी पोटेंशियल जो है वो कितनी है, जीरो है, ठीक है, यू इन्फिनिटी जो है वो जीरो है, एट इन्फिनिटी द पोटेंशियल इज जीरो, देन वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अगर हमें निकाले यू, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर इसके बीच का, और के की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻¹, तो क्यू वन की वैल्यू जो है ना 1.6 × 10⁻¹⁹, और −1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10⁻¹⁹, ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में अगर लिखे तो इतना। लेकिन ये जो वैल्यू आएगा ये जूल में आएगा, तो इसको अगर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कि आप चाहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो 10 × ये करेंगे आप, तो यहाँ पर −1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 0.53 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये। अब इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा आपको −27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब दूसरा जो है ना, इतना तो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तभी टोटल एनर्जी निकालेंगे, और टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हमें वर्क डन पता चलेगा। तो पहले हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, −1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो −1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो −1/2 ऑफ 227.2/2 माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा कितना, ये आएगा आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा हो गया, तो अब हमें क्या करना है, आपका ये काइनेटिक एनर्जी का यूज करके टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी रिलेशन अगर काइनेटिक एनर्जी में पूछा जाता है तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख सकते हैं। अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वहां से यहां तक लाने में आपको क्या क्या कितना एनर्जी लगा, टोटल एनर्जी कितना है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है,
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी ऑर्बिट से अगर मान लीजिए आप इसको निकाल इस पर्टिकुलर ऑर्बिट से या किसी भी ऑर्बिट से तो उतनी एनर्जी आप दे देते हैं तो क्या कर जाता है, निकल जाता है। मतलब कहने का अगर आप उस टोटल एनर्जी से जीरो से कर देते हैं या इक्वल टू कर देते हैं या टोटल एनर्जी से ज्यादा दे देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकल जाएगा। तो आपको टोटल एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो वर्क डन के लिए जो वर्क डन जो होगा वो कितना, वर्क डन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो कितना करना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क करना, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा यहां से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है ए। और दूसरा 2.18 का जो सी पार्ट है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ना इन्फिनिटी से नहीं ले जाके यहाँ 1.06 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर लाया जाता है। मान लीजिए पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तब आपको पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से अब पहले यहाँ था रेफरेंस लेवल ये था तो उस वाले केस में जीरो माइनस कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन कौन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और यहाँ माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस, तो 5.3 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 और माइनस यहां से ये जो है ना रेफरेंस लेवल, तो ये कितना है 1 के क्यू वन क्यू टू माइनस वहां है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.06 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो ये अब करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये तो माइनस आ जाएगा, जो कॉमन लेंगे सारा यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, इसके कॉमन लेने के बाद जैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे ना तो k इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो का स्क्वायर और यहाँ पर भी है अपॉन में कितना लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो ये तो माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1/2। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो है ना के इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 स्क्वायर और ये यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और इसको ये जूल है, अब हमें इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने पर पोटेंशियल एनर्जी जो निकालेंगे के इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 स्क्वायर, ये माइनस है अपॉन 2 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारा सॉल्व करेंगे ना तो आपको आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकल गया यहाँ से यहाँ तक लाने में। दूसरा पार्ट ये कहता है कि इसको अब यहाँ से रिलीज करने में कितना एनर्जी लगेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में इतना वर्क पोटेंशियल एनर्जी लगता है तो यहीं से यहाँ लाना होगा ना, इन्फिनिटी तक थोड़ी ना ले जाना है इसको केस में, तो फिर इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन चूंकि इसको इन्फिनिटी तक नहीं ले जाना है यहीं से यहीं रखना है। ठीक है, यही तो है लेवल, तो जितना चेंज इन हुआ है उतना हम क्या कर देंगे, वर्क डन में काउंट कर देंगे, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इतना प्लस में करना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सिंपल सा केस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.18C। ओके, okay? 2.19 जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पर एक H2O मॉलिक्यूल है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। H2 के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन,
तो दो है, मतलब एक एच के अंदर तो एक ही होता है ना, मतलब जैसे एक हाइड्रोजन है तो ये प्लस होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके आउटर शेल से ना इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। कहता ये है कि दो प्रोटॉन्स का जो बीच का जो सेपरेशन है, ऑफ कोर्स इसमें अब बचेंगे कितने, मतलब एच टू प्लस हो जाए तो बचेगा कितना, दो इलेक्ट्रॉन्स एंड एक प्रोटॉन्स। तो एक प्रोटॉन्स जो होगा वो, सॉरी, दो प्रोटॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स, तो दो प्रोटॉन्स के बीच का जो सेपरेशन होगा 1.5 × 10⁻¹⁹ एंड 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये सेपरेशन होगा और इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके बीच सेपरेशन कितना है, वो −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हमें क्या करना है, इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर ये हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो के क्यू वन माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ आर इंटू, या तो इंटू यहां पर कर लीजिए 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 10⁻¹⁹ मीटर। सिमिलरली प्लस यहां पर करेंगे तो इसका होगा, इसमें एक पेयर इधर से बनेगा यहां पर, तो ये के −1.6 × 10⁻¹⁹ एंड 1.6 × 10⁻¹⁹ ये यहां से बनेगा, और इसको क्या करेंगे, 1 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, प्लस के यहां से के इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 1 × 10⁻¹⁹। अब देखिए ये है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर सम अप करते हैं, और इसमें हम जैसे इसको पहले तो एक काम कीजिए, कॉमन ले लीजिए, जहां जहां कॉमन आने वाला है, एक तो ये चीज जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक हटा ही दीजिए इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कौन, ये वाला पोर्शन, और इसको 9 × 10⁻¹⁹ कर देंगे इतना, और इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर अपॉन 1 × 10⁻¹⁹, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी को हमको, ये तो अभी कितनी किसमें है, जूल में है, हम इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाह रहे हैं, तो −9 × 10⁻¹⁹ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर अपॉन 1 × 10⁻¹⁹ इंटू ये है 1.6 × 10⁻¹⁹। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे किस केस में लिखेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। ओके, देखिए 2.20 है ना, 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और उनके रेडियस दिए हुए हैं ए एंड बी। ओके, सो क्या करता है, ज्वाइन कर देता है आपस में वायर से। अच्छा, ज्वाइन जैसे ही करेगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पता चल गया, तो पोटेंशियल जो, मतलब सॉरी, जहां पर पॉइंटेड एंड होगा या शार्प एजेज होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये शार्प एज है रिस्पेक्टिवली इसके, ये फ्लैट एज है, तो शार्प एजेस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा क्यों होता है, उससे प्रूव करना है उस रिलेशन से। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार, समझते हैं कैसे है। पहले तो ये करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो निकालते हैं कि कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विनो क्या,
हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की जो पोटेंशियल होती है ना, के क्यू वन अपॉन ए होता है, और वी इक्वल टू के क्यू टू अपॉन बी। ओके, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, के क्यू वन अपॉन ए इक्वल टू के क्यू टू अपॉन बी, और क्यू वन अपॉन क्यू टू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी। ठीक है, अब ए अपॉन बी कर सकते हैं, हमें चार्ज का रेशियो पता चल गया। चार्ज का रेशियो पता चल गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, तो ई वन अपॉन ई टू निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम जानते हैं के क्यू वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन के क्यू टू अपॉन बी स्क्वायर, तो क्यू वन अपॉन क्यू टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू की जो वैल्यू लिखेंगे ना, वो ए अपॉन बी है इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू बी बी कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी अपॉन ए होगा। तो ये क्या है, ई वन अपॉन ए टू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मुझे पता चल गया, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कंडक्टर होगा। अब हमें क्या निकालना है कि जो पॉइंटेड एज होगा या शार्प एज होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, या फ्लैट एज होगा वहां पर। फ्लैट एज से मतलब हमने समझाया था, अभी एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है और ये है, तो ये फ्लैट एज है और ये शार्प एज। ठीक है, अब उसको समझना है तो देखिए, आपने पढ़ा था किसी कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस जो होता है, वो पढ़ा है आपने, वो होता है कितना, सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा है ना। और ई टू जो होता है वो सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई वन अपॉन ई टू निकालना है आपको, तो इसका सीधा मतलब है सिग्मा अपॉन सिग्मा टू। नहीं, इसको अगर आप यहां पर रखेंगे ई वन की जगह पर और ई टू की जगह पर, तो आप आराम से सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अच्छा, बी अपॉन ए हो जाएगा, मतलब सिग्मा वन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिसका रेडियस जितना छोटा होगा उतना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो है, वो ज्यादा होगा। अब देखिए, ये शार्प एजेस है, ये पॉइंटेड एजेस है, अगर हम इसको बनाए तो ये क्या होगा, ये एक स्फेयर बनेगा, ये छोटा वाला रेडियस का, इसका रेडियस छोटा होगा। और यहां इसको अगर रेडियस बना के देखें तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जहां पर ए रेडियस की वैल्यू कम होगी, शार्प एजेस होगा, वहां पर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी रेडियस कम होगी, इसलिए। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट शार्प एज विल बी मोर, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट शार्प एज विल बी मोर। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, थैंक यू।